हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। ये जो टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन का, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को बहुत कम लोग हैं वो पढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस टॉपिक से संबंधित यानी कि मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन से संबंधित टॉप 200 प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आपको रटना है। और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। मित्रों, अगर आपने पिछली कई क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान रिट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों आपको वहाँ पे फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। अपन सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर पहला प्रश्न, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था? मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मीर ए बख्शी देखता था। कौन देखता था? मीर ए बख्शी। ठीक है, तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, मीर ए बख्शी, ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 2nd नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रभामंडल मुगल रूप चित्रकारी का विशेष लक्षण बना है? बताइए किसके शासनकाल में प्रभामंडल मुगल रूप चित्रकारी का विशेष लक्षण बना है? तो इसका राइट ये आपको इसमें याद रखना है, साजा को देवी संरक्षण में चित्र बनवाना प्रिय था। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन साजा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गज ए सवाई क्या थी? गज ए सवाई क्या थी बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, गज ए सवाई क्या थी? तो दोस्तों देखिए, औरंगजेब का यानी कि बड़ी तोप से सुसज्जित जलतोप। ठीक है, यहां पर देखिए औरंगजेब का बड़ी तोप से सुसज्जित एक जहाज था। ठीक है, गज ए सवाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलपोत, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जलपोत। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, अकबर के राज्यकाल में भूमि जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे और कभी प्रति नहीं छोड़ते थे क्या कहलाती थी? अकबर के राज्यकाल में भूमि जिसे प्रतिवर्ष जोतते थे और कभी प्रति नहीं छोड़ते थे क्या कहलाती थी? तो दोस्तों क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी दोस्तों इसमें पोलज, पोलज कहलाती थी। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलज वह भूमि थी जो प्रत्येक वर्ष फसल देती थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किस एक को दारासिको ने लिखा था? तो बताइए दारासिको ने किस एक को लिखा था, इसमें बताना है आपको, यानी कि कौन से ग्रंथ की रचना दारासिको ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मजम उल बहरीन, मजम उल बहरीन की रचना है वो दारासिको ने की थी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, कौन एक 17वीं शताब्दी में भारत में परिवर्तित एक नई नकदी फसल थी? कौन एक 4 नंबर तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के काल में 1605 से 1627 ईस्वी तक तंबाकू का प्रचलन है ये हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने से पूर्व मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में आने से पूर्व मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो ये थे दोस्तों रीवा के राजा रामचंद्र बघेल की सेवा में थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। रीवा के नरेश थे रामचंद्र बघेल, उनके राज्यश्रय में थे कौन? तानसेन। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए, बंगाल के प्रमुख बंदरगाह हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला
मुगल बादशाह था। बंगाल के प्रमुख बंदरगाह है हुगली से पुर्तगालियों को निष्कासित करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों वो मुगल बादशाह था कौन, तो वो था शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? मुगल साम्राज्य के अवसान के समय किसने जाटों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सूरजमल। चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूरजमल। आगे देखिए, इसमें दस नंबर का प्रश्न है, जुझार सिंह जिसने शाहजहां के राज्यकाल में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था किस राजपूत कुल के थे? जुझार सिंह, कौन से राजपूत कुल के थे? तो वो थे बुंदेला के। तो इसका चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जुझार सिंह वीर सिंह देव बुंदेला के, यानी कि देव बुंदेला के पुत्र थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए शहजादा शाहजहां ने 1622 ईस्वी के विद्रोह का संबंध शाहजहां जहांगीर के निम्नांकित हुक्म से हुआ था, बताइए। यानी कि शाहजहां और जहांगीर के मध्य जो विद्रोह का जो संबंध था वो कौन से हुक्म से हुआ था 1622 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें, वो है कांधार के ऊपर चढ़ाई का नेतृत्व करो। देखिए 1622 ईस्वी में जब ईरान के शाह अब्बास ने कांधार पर अधिकार कर लिया तो नूरजहां ने जहांगीर को परामर्श दिया कि खुर्रम को कांधार जाने के लिए कहो और पुनः अधिकार करने के आदेश दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यानी कि शाहजहां ने खुर्रम का दोस्तों नाम है वो शाहजहां था बाद में, ठीक है, पहले खुर्रम था, तो खुर्रम ने क्या किया कि इसे मानने से इनकार कर दिया, इससे दोनों के मध्य क्या हुआ, विद्रोह का संबंध हो गया। तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था तो दोस्तों लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी, लोक आचार शास्त्र का प्रभारी अधिकारी, तो अपना इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में दो अस्पा सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया, बताइए। अच्छा प्रश्न है ये भी, बताइए मित्रों किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए W.H. मोरलैंड के आकलन के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की आबादी थी, W.H. मोरलैंड के आकलन के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की आबादी थी, तो दोस्तों भारत की आबादी थी वो कितनी थी, तो वो थी दोस्तों 10 करोड़। तो इसका दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 10 करोड़ थी। नेक्स्ट 15 नंबर का प्रश्न है, भू राजस्व आकलन की तीन पद्धतियां बटाई, खेत बटाई तथा अंक बटाई का संबंध था, बताइए। भू राजस्व आकलन की तीन पद्धतियां बटाई, खेत बटाई तथा अंक बटाई का संबंध था, तो ये किससे था? तो ये था दोस्तों गल्ला बख्शी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गल्ला बख्शी से, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अब्बुल फजल है, ठीक है, अब्बुल फजल के अनुसार अकबर के राज्यकाल में जमींदारों का प्रतिधारण शुल्क था, अब्बुल फजल के अनुसार अकबर के राज्यकाल में जमींदारों का प्रतिधारण शुल्क था, तो वो बताइए कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कितना था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों करीब लगभग 52 लाख रुपए, लगभग 52 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 52 लाख रुपए। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था? जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बिशनदास, एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिशनदास। नेक्स्ट है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, पीटा डूरा शब्द किसकी ओर निर्देश करता है, बताइए। पीटा डूरा
है पच्चीकारी, ठीक है, पच्चीकारी। ये एक पच्चीकारी इटालियन पद्धति थी। क्या थी? पित्रा ड्यूरा। तो ये पच्चीकारी इटालियन पद्धति थी। इसका जो प्रथम बार प्रयोग है वो जहांगीर के काल में एतमाद उद्दौला के मकबरे में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो दोस्तों ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है, रज्मनामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया था वो रज्मनामा से किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट 20 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को टीका किया? बताइए, किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति का टीका किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बीकानेर। तो अपना इसमें राइट आंसर तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर। नेक्स्ट आगे देखिए, कांधार कब हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकलकर सफियों के पास चला गया? बताइए, कांधार कब हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकलकर सफियों के पास चला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ईस्वी सन 1622 ईस्वी में। तो इसका तीन नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है। औरंगजेब के दक्कन में से किन दो राज्यों को जीता था? बताइए, औरंगजेब के दक्कन में से किन दो राज्यों को जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर एवं गोलकुंडा दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, औरंगजेब ने सितंबर में गोलकुंडा को जीत लिया था। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 23 नंबर का प्रश्न है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में कुछ मुगल कलाकारों के नाम दिए गए हैं जो मुगल शिल्प कला में कार्यरत थे, उनके द्वारा दी गई सही संख्या निर्दिष्ट कीजिए। उनके द्वारा दी गई सही संख्या निर्दिष्ट करना है तो वो है दोस्तों 28। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 28। आगे देखिए, अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में से किसका उल्लेख किया है? अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में से किसका उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दातु डलाई की प्रविधि। तो इसका चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों कौन था? तो वो था दोस्तों, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांझा था। चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सांझा ने कृषि विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, ठीक है, और अनेक नहरों का निर्माण भी करवाया था। चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, 1605 में कुल मुगल सूबे कितने थे? 1605 में कुल मुगल सूबे कितने थे? तो दोस्तों वो थे इसमें 15। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 थे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। कितने थे? तो दोस्तों 15 मुगल सूबे थे। आगे देखिए मित्रों, इसमें 27 नंबर का प्रश्न है। मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों में नहीं था? मुगल अधिकारियों में से किसका संबंध धार्मिक मामलों में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुस्तोफी। चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुस्तोफी। नेक्स्ट 28 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, किस में परिभाषित किया? बताइए, किसने बादशाह या संप्रभुता को जिल अल अल्लाह की अवधारणा के विपरीत फर ए इज्दी के रूप में परिभाषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अबुल फजल। तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। 29 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पाए मुहाद सॉरी मुदा है, ठीक है, मुगल राजस्व प्रशासन की शब्दावली में जमी पाए मुदा है शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? तो वो है दोस्तों पैमाइश की हुई भूमि, पैमाइश की हुई भूमि। तो इसका चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पैमाइश की हुई भूमि को जमी पाए मुदा है कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 30 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, कौन सा या कौन से अंचल 17वीं शताब्दी में सोरा नील एवं अफीम के एक सा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था?
कौन सा या कौन से अंचल 17वीं शताब्दी में सोरा नील एवं अफीम के एक सा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बिहार। चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, किसके किनके शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे? बताइए किसके किनके शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बीजापुर व गोलकुंडा, यानी कि बीजापुर तथा गोलकुंडा के मुगल बादशाह को तरफदार कहते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, यानी कि बीजापुर तथा गोलकुंडा शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे। तो इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। एक विशाल मुगल स्मारक के किस भाग में प्राय चाप स्कंद प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रवेश द्वार। दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रवेश द्वार। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया? राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों औरंगाबाद में। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, औरंगाबाद में ये बनाया गया। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मोरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था, मोरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मोरलैंड के अनुसार जमा का तात्पर्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वसूला गया भू राजस्व, वसूला गया भू राजस्व। तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अधिकारी समुच्चयों में से कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता? अधिकारी समुच्चयों में से कौन सा एक मुगलों की प्रांतीय शासन व्यवस्था में नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वजीर बख्शी मिर्समा। तो इसमें चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वजीर बख्शी मिर्समा। आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, एक मान कोतूहल में संग्रहित है, एक मान कोतूहल में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रुति मधुर संगीत कृतियां, श्रुति मधुर संगीत कृतियां। दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में भी गया था, बताइए सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में भी गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए, तो वो है इसमें हॉकिंस। मध्यकालीन युग में प्रचलन में नहीं था, बताइए एक ऐसे वस्त्र को निर्दिष्ट करता है जो मध्यकालीन युग में प्रचलन में नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए कौन सा, तो वो है इसमें प्रवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवार। तो एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? तो दोस्तों 13 वर्ष 4 माह है, 13 वर्ष 4 माह है अकबर की उम्र थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 14 फरवरी 1556 को दोस्तों कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था, ठीक है। और 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, अमरकोट के वीरसाल के वहाँ हुआ था, ठीक है। आगे देखिए इसमें जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था, जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चिड़ियों और पशुओं के रूप विचित्रों का, ठीक है, चिड़ियों और पशुओं के रूप विचित्रों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 41 नंबर प्रश्न है, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें किसके दरबार का, बताइए। तो ये था दोस्तों अकबर के दरबार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन, सॉरी दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 1663 में औरंगजेब के आदेश पर शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित ये
तो दोस्तों ये प्रशासनिक नियमों की पुस्तक थी ये, ठीक है, प्रशासनिक नियमों की पुस्तक थी। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 43 नंबर का प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था, शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जहांगीर द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन बाद में इसको छोड़ भी दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए इसमें 44 नंबर का प्रश्न है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह विवरण है, बताइए आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह विवरण है, तो दोस्तों यह विवरण है किसका, तो यह विवरण है दोस्तों इसमें राल्फ फिंच का, ठीक है, राल्फ फिंच का, तो इसका राइट आंसर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राल्फ फिंच है, ये पहला अंग्रेज यात्री था जिसने भारत के लोगों के बारे में, उनकी वेशभूषा और रीति रिवाजों के बारे में लिखा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, औरंगजेब के पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी, बताइए औरंगजेब के पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने, ठीक है, ये वो वाला अकबर नहीं, ये अकबर औरंगजेब का पुत्र है, ठीक है, शहजादा अकबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 46 नंबर का प्रश्न है, मनुची कहता है कि जजिया फिर से लगाए जाने का सरदारों के एक समूह ने जबरदस्त विद्रोह किया था जिसका नेतृत्व किया था, मनुची कहता है कि जजिया कर फिर से लगाए जाने का सरदारों के किया था, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 47 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, देखिए अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की हिम्मत नहीं करता था और स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था और उनकी अर्जियां सुनता था, वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था, उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगाता था। उपयुक्त उद्धरण पर विचार कीजिए और बताइए कि इसका लेखक किसे माना जाता है और किस राजा का उल्लेख है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए मानसरेट अकबर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए फादर मोनसेराट, ठीक है, ये अकबर के दरबार में आया था, इन्होंने ये विवरण किया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था, मुगल साम्राज्य में अमीरों का वेतन नियत किया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उनकी मनसब संख्या के अनुसार, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें 49 नंबर प्रश्न है, अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराता है क्योंकि वह, अबुल फजल अकबर द्वारा राजस्व वसूल करने का औचित्य ठहराता है क्योंकि वह सार्वभौम तत्व के लिए मुआवजा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर को दखल कर दिया था वे थे, वो बताइए, तो दोस्तों औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर को दखल कर दिया था वे दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है कबीर के अनुयायी थे, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब के काल में दूसरा भीषण विद्रोह नारनौल तथा मेवात के सतनामियों का विद्रोह था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, मुगल प्रशासन में बख्शी होता था, तो दोस्तों ये कोषाध्यक्ष होता था, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोषाध्यक्ष होता था, ये आपको इसमें याद रखना है, जिसको अपन खंजाची भी बोलते हैं, खंजाची, ठीक है।
तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। मित्रों 51 प्रश्न तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध से संबंधित ये टॉपिक है, इसके टॉप 200 प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको 200 के 200 प्रश्न है वो देखने हैं और रटना है, ठीक है, ताकि आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो। देखिए, बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की 1526 में। बताइए, ये तो सभी को पता है 1526 में क्या हुआ था, तो दोस्तों पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पर। प्रश्न इसमें देखिए, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई थी, मुगल साम्राज्य में भू राजस्व निर्धारण की इकाई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें क्या थी, तो वो प्रति एक किसान, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 54 नंबर प्रश्न है, पक्षियों पशुओं एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था। पक्षियों पशुओं एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें मंसूर। कौन था? मंसूर। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन था? मंसूर, याद रखना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, मंसूर, यहाँ पे ये काट लेना, ठीक है, मंसूर था। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर, मंसूर। नेक्स्ट आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल था, यानी कि सबसे बड़ा पुल है तो वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जौनपुर में, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने जौनपुर में भारत के सबसे बड़े पुल का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसकी लंबाई 654 फुट थी, ठीक है, और जिसके निर्माण में दोस्तों 3 वर्ष का समय लगा था और 3 लाख रुपए खर्च हुए थे उस समय। नेक्स्ट है आगे देखिए, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत है। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है आईने अकबरी, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आईने अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, मुगल कुल मूल्य का 2.5% था, व्यापार कर जो कुल मूल्य का 2.5% था, तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 58 नंबर प्रश्न है, यह शिकायत कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा भी हिस्सा सा ही खजाने तक नहीं पहुंचता था, औरंगजेब के शासनकाल में इतिहासकारों में से किसके द्वारा कही गई ये बात, यानी कि यह शिकायत है वो किसके द्वारा की गई, बताइए। कही गई है कि जजिया के तहत लाखों में इकट्ठी की गई रकम का थोड़ा भी हिस्सा शाही खजाने तक नहीं पहुंचता था, औरंगजेब के शासनकाल में इतिहासकारों में से किसके द्वारा ये बात कही गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात कही गई दोस्तों सफी खान के द्वारा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कथन है ये किसका है, तो ये सफी खान का है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, देखिए, कलीला है वह दमना अरबी रूपांतर है, बताइए, कलीला है वह दिमना अरबी रूपांतरण है, तो ये क्या है, कलीला है वह दिमना अरबी रूपांतरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों पंचतंत्र का, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंचतंत्र का अरबी भाषा में रूपांतरण है, कलीला है वह दिमना के नाम से हुआ है, ठीक है, तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों से रूप चित्र बनाने को कहा, मुगल सम्राट जिसने अपने चित्रकारों से पक्षियों से रूप चित्र बनाने को कहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों किसने कहा था, तो ये जहांगीर ने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, भीमसेन
हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का, दक्कन में मुगल गतिविधियों की जानकारी का। तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गंगा लहरी के रचनाकार थे, गंगा लहरी के रचनाकार थे तो दोस्तों वो थे जगन्नाथ पंडित। कौन थे? जगन्नाथ पंडित। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न, किस एक व्यापारिक केंद्र को मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया? किस एक व्यापारिक केंद्र को मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में प्रयोग नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें थट्टा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, थट्टा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए इसमें 64 नंबर का प्रश्न है, भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक पद्धति के रूप में आईन ए दहशाला का प्रारंभ किसने किया? भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक पद्धति के रूप में आईन ए दहशाला का प्रारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने किया। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने किया। 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए टिमेरियट सूबेदार, इसमें देखिए टिमेरियट सूबेदार गवर्नर और मालगुजारी ठेकेदार अपनी भूमिका के बारे में इस प्रकार दलील देते हैं, इस भूमि की उपेक्षित स्थिति से हमारे मन में उद्विग्नता क्यों हो और हम अपना धन और समय इसे उपजाऊ बनाने में क्यों बर्बाद करें, हम एक पल में इसे वंचित किए जा सकते हैं और उद्यम से न तो हमें कोई लाभ होगा और न ही बच्चों को। ठीक है, ये वक्तव्य दिया था, तो ये वक्तव्य दोस्तों किसने दिया था ये बताना है अपने को। तो दोस्तों ये वक्तव्य दिया था वर्नियर ने। 4 नंबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया अपने शासनकाल के, अकबर ने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया अपने शासनकाल में, यानी कि अपने शासनकाल के दोस्तों 24वें वर्ष में, अपने काल के शासनकाल के 24वें वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 12 सूबों में विभाजित किया था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों इसमें 67 नंबर प्रश्न, कौन सा शासक यह मानता था कि प्रभुसत्ता एक देवी प्रकाश है जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? बताइए कौन सा शासक यह मानता था कि प्रभुसत्ता एक देवी प्रकाश है जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें अकबर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 68 नंबर का प्रश्न है, जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा? जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राजाराम। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुच्चे के अनुसार जाट नेता, जो जाट नेता थे, ठीक है, राजाराम, इन्होंने अकबर महान की हड्डियों को खोदकर उन्हें जला दिया था। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था? कौन सा लेखक अकबर का आलोचक था? तो वो था दोस्तों बदायूनी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूनी। ठीक है, ये अकबर का आलोचक था। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, कौन सा फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? कौन सा फारसी ग्रंथ है सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों के सही कालक्रमानुसार को कालानुक्रम को इंगित करता है? कौन सा समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों के सही कालानुक्रम का इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, जहां आरा, चांद बीबी बेगम। ठीक है, तो ये अपना क्रम है, ये मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों का सही कालानुक्रम है। ठीक है, महिलाओं का। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मुगल काल में सराय भवनों का उपयोग होता था, मुगल काल में सराय भवनों का
जो उपयोग होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए, यात्रियों को ठहरने का स्थान प्रदान करने के लिए एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अब्बुल फजल की हत्या किसने की, अब्बुल फजल की हत्या किसने की, तो ये की थी दोस्तों बताइए किसने, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी, वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी अब्बुल फजल की हत्या, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1602 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 74 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुजरात विजय की स्मृति में, एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, मजहर नामक दस्तावेज का पाठ जिसके माध्यम से अकबर ने धार्मिक मामलों में सर्वोपरि निर्णायक की भूमिका ग्रहण की मिलता है, मजहर ग्रहण की थी मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है बदायूनियों की मुंतखब उत त्वारिक में, तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे, पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे, तो किन के दरबार में, तो ये थे दोस्तों साझा के दरबार में, तो अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चित्रकार ख्वासा मंसूर की इस निपुणता के लिए विशेष ख्याति है, चित्रकार ख्वासा मंसूर की इस निपुणता के लिए विशेष ख्याति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वनस्पति तथा प्राणी चित्रकारी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, मनसब प्रणाली में दु अस्पा सिंह अस्पा श्रेणी की स्थापना किसने की थी, बताइए बताइए, मनसबदार प्रणाली में दु अस्पा सिंह अस्पा श्रेणी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों जहांगीर ने, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर ने की थी। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, बटाई गल्ला बक्सी अथवा बाहोली के नाम से पहचानी जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी, ठीक है, तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस आधार पर, तो ये दोस्तों कुल पैदावार के आधार पर, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, बटाई गल्ला बक्सी अथवा बाहोली के नाम से पहचानी जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी कुल पैदावार के आधार पर, कुल पैदावार के आधार पर, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, पीतरा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था, ठीक है, तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, मुगल काल में बाजार परिवर्तन के समकक्ष कृषि की दूत अनुक्रिया विशेषता परिलक्षित होती है, मुगल काल में बाजार परिवर्तन के समकक्ष कृषि की दूत अनुक्रिया विशेषता परिलक्षित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो वो है कपास पैदावार के क्षेत्र में विस्तार से, कपास पैदावार के क्षेत्र में विस्तार से, तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है उस्ताद मंसूर को, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को। आगे देखिए, मनसबदारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, मनसबदारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए किसके काल में, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब के काल में, तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 84 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक अवस्था में मृत्यु उसका वरण यानी कि बालिका का, ठीक है, प्रत्येक अवस्था में मृत्यु उसका वरण करने को प्रस्तुत है, उषा काल में पोस्ट के माध्यम से पकी हुई आयु में, पकी हुई आयु में अग्नि ज्वाला के माध्यम से निम्न में से किस इतिहास द्वारा राजपूत महिलाओं के प्रति यह कथन दिया गया है, तो दोस्तों यह कथन है, ये कहा गया है किसके द्वारा, तो ये कहा गया है दोस्तों
टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह कथन नंबर प्रश्न है, कपड़े पर किए गए चित्रण में से हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है। कपड़े पर किए गए चित्रण में से हस्तलिखित ग्रंथ से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है हमजानामा। ठीक है, दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमजानामा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, इसमें कुल 1200 चित्र हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें 86 नंबर प्रश्न है, कौन सा वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान में इसका नेतृत्व किया था। कौन सा वह प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान में नेतृत्व किया था, तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था, तो दोस्तों बताइए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था दोस्तों हुमायूं। तो अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों इसमें 87 नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया। कौन से स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया, तो वो किया दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजा बीरबल को। तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजा बीरबल को। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों ये आगरा में है। चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगरा में है अकबर का मकबरा। आगे देखिए इसमें 90 नंबर का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया। सुप्रसिद्ध कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्यानवे नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुप्रसिद्ध कोहिनूर साज जिस चित्रकार तुजुक ए जहांगीरी के मुखपृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर साज जिस चित्रकार तुजुक ए जहांगीरी के मुखपृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम था, तो दोस्तों उसका नाम था क्या, तो उसका नाम था अबुल हसन। तो इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। 92 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सफी खां को मुंतखब उल लुआब लुसाब सफी खां को मुंतखब उल लुसाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने सिंहासन रोहण के 11वें वर्ष में इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए मित्रों इसमें 93 नंबर प्रश्न है, दाम क्या था। दाम क्या था, तो दोस्तों दाम क्या था, दाम एक सिक्का था। एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक तांबे का सिक्का था दाम। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था। जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था, तो उसका नाम था दोस्तों जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से फारसी भाषा में लिखी थी सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 95 नंबर प्रश्न है, मुगल मनसबदारों को दोस्तों उनको सामरिक तथा असामरिक काम करना होता था। ठीक है, मुगल मनसबदारों को सामरिक तथा असामरिक काम करना होता था। नंबर प्रश्न, इसमें देखिए 1579 के मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया। 1579 में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया, तो मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया, तो दोस्तों अमोघ अधिकार प्रदान किया। तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अमोघ अधिकार। नेक्स्ट, किसने अपना जीवन दारा सिखों के तोपची के रूप में आरंभ किया था। किसने अपना जीवन दारा सिखों के तोपची के रूप में आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मनुची ने। तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मनुची ने। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें कौन एक कानून अधिकारी था, तो दोस्तों वो था इसमें मुफ्ती। ठीक है, मुफ्ती है ये एक कानून अधिकारी था।
दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 99 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बयाना, एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बयाना है, ये आगरा के निकट था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में बयाना है वो कहां पर है? तो ये भरतपुर में है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों इसमें 100 नंबर का प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई? किसके शासनकाल में भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के काल में दोस्तों भारत में तंबाकू की खेती है वो प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 101 नंबर प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना दोस्तों ये हुई थी औरंगजेब के काल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, औरंगजेब के काल में। आगे देखिए इसमें 102 नंबर प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए इसमें कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के अनुवाद की प्रस्तुति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिर ए अकबर, सिर ए अकबर है, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें देखिए 103 नंबर प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात संबंधित था, तो काजी उल कुजात संबंधित था तो ये किससे था? तो ये दोस्तों न्याय से संबंधित था। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्याय से ये संबंधित था। मित्रों मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत से संबंधित है, मैं आज आपको ये टॉप 200 प्रश्न करवा रहा हूँ, आपको 200 के 200 प्रश्न हैं वो देखने हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्रों सभी के सभी हैं, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अराध्यारस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, आगे देखिए मित्रों इसमें 104 नंबर प्रश्न है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग है वो भू राजस्व के एक अधिकारी के रूप में किया जाता था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें किसने मुगल कालीन भारत के बारे में लिखा है? किसने मुगल कालीन भारत के बारे में लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों किसने, तो ये बर्नियर ने लिखा है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बर्नियर ने। आगे देखिए सामुगढ़ का युद्ध किसके लिए निर्णायक साबित हुआ? सामुगढ़ का युद्ध है वो किसके लिए निर्णायक साबित हुआ? तो दोस्तों देखिए सामुगढ़ का युद्ध है ये औरंगजेब के लिए निर्णायक हुआ, और औरंगजेब है वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, 29 मई 1658 को सामुगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 107 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए? किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। आगे देखिए अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था? तो वो था दोस्तों बताइए कौन, तो वो था मान, इसमें देखिए मान डेलस्पो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मान डेल्सलो। ठीक है, मान डेल्सलो, तो ये दोस्तों अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री था, याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किनका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? यानी कि किनका जन्म है वो राजपूत माँ के
गर्भ से नहीं हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म है वो दोस्तों राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। जहांगीर, साजा और खुर्रम इन तीनों का जन्म है वो दोस्तों साजा, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका याद रखना है आपको। तो इसमें चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये साजा और मुमताज महल की छठवीं संतान थी। ठीक है, औरंगजेब चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 110 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने प्रारंभ की? मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने, तो ये की थी दोस्तों साजा ने। तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, साजा ने की थी। आगे देखिए इसमें पेबाकी से क्या तात्पर्य है, पेबाकी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अप्रदत्त जागीर भूमि, अप्रदत्त जागीर भूमि, ये पेबाकी से तात्पर्य है इसका। तो अपना इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, ऐसे समय जब कोई व्यक्ति क्षेत्र भूमि प्राप्त करता है तो वह उनमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर इसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति क्षेत्र भूमि प्राप्त करता है तो वह उनमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर इसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्नियर। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्नियर। आगे देखिए इसमें सफीनत उल ओलिया का लेखक कौन था, सफीनत उल ओलिया का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दारा सिको। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दारा सिको। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मिर्जा राजा की पदवी किसे प्रदान की थी, मिर्जा राजा की पदवी किसे प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? बताइए वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन, तो वो है बिशन दास। तो अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिशन दास। नेक्स्ट आगे देखिए निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था, निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये था दोस्तों किशनगढ़ का। तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों रामायण का फारसी अनुवाद है वो किसने किया? तो ये किया था दोस्तों किसने, तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 118 नंबर प्रश्न है, किस सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया, किस सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर। आगे देखिए 119 नंबर प्रश्न है, मिर्जा राजा जयसिंह 1665 ईस्वी के पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? बताइए मिर्जा राजा जयसिंह जब 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय उनके साथ में कौन सा यात्री उपस्थित था? तो में पुरंदर की संधि हुई थी ना बाद में। फिर आगे देखिए पादशाह नामा का लेखक कौन था, पादशाह नामा का लेखक कौन था? तो वो था दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी। यहाँ पे देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 121 नंबर प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या से चुनिए। बताइए हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह व शहजादे दफनाए गए थे, तो वो कितने थे? तो वो थे दोस्तों संख्या कितनी थी, तो वो थी दोस्तों छह। कितनी संख्या थी,
छह संख्या थी, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। एक तो इसमें देखिए दारा शिकोह, जहांदार शाह है, फरकुशियर, रफीउद्दारा जात, रफीउद्दौला और आलमगीर द्वितीय, ठीक है, ये छह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 6 हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बसावन। बसावन है ये व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट 123 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आसियानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? बताइए, मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आसियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, स्वर्ग स्वर्ग में रहने वाला, तो ये कहा गया है दोस्तों साझा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मिलता है तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एतमादउद्दौला का मकबरा, ठीक है, इसमें दोस्तों पितरा ड्यूरा का प्रयोग मिलता है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 125 नंबर प्रश्न है, मुंतखब उल लुबाब, इसमें लुबाब, इसमें देखिए मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? बताइए, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें सफी खां, सॉरी खफी खां, ठीक है, कौन था? खफी खां। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन, सही उत्तर। 126 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों औरंगजेब। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, जेम्स प्रथम के रूप में सर टॉमस रो प्रथम, सॉरी यहां पे देखिए, जेम्स प्रथम के रूप में यानी कि इसका राजदूत था जेम्स प्रथम का ही, ठीक है, जेम्स प्रथम के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? तो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? तो दोस्तों 3 वर्ष तक ये जहांगीर के दरबार में रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1616 ईस्वी में आया था और दोस्तों 1619 ईस्वी में ये वापस इंग्लैंड चला गया था, ठीक है। आगे देखिए, जहांगीर की सर्वोच्च राजनीतिक सफलता 1614 ईस्वी में मेवाड़ से की गई उसकी शांति संधि थी, बताइए, जहांगीर की सर्वोच्च राजनीतिक सफलता 1614 कि चित्तौड़ के किले की मरम्मत की जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य दोस्तों ये संधि हुई थी जिसमें चित्तौड़ के दुर्ग को सुरक्षित करना और उसकी मरम्मत निषिद्ध घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी थी? बताइए, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर ने, ठीक है, अकबर ने दी थी, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? बताइए, कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? बताइए कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन थी? तो वो है महम अनगा, महम अनगा। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अकबर के अल्प वयस्क होने के कारण है वो प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है, तो महम अनगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मुगल प्रशासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था
क्या कहलाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था मीर बख्शी। तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मीर बख्शी। आगे देखिए, वह अंग्रेज कौन था जिसने जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था। वह अंग्रेज कौन था जिसे जहांगीर ने 400 जात का मनसब प्रदान किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस। एक व्यापारी था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था, वह भारत में 1608 से लेकर 1613 ईस्वी तक ठहरा था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए कौन न तो जोहरी था और न ही शिल्पकार था, कौन न तो जोहरी था और न ही शिल्पकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मनुची। तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुची है ये दारा सिकों की सेना में तोपची था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई, अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अधिक मगपान से, अधिक मगपान से दोस्तों अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मगपान तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, किसने अफीम लेकर आत्महत्या की, किसने अफीम लेकर आत्महत्या की, तो ये की थी दोस्तों शाह बेगम ने। तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शाह बेगम है ये खुसरो की माँ थी। 1601 ईस्वी में पति एवं उसके पुत्र के मध्य मतभेद देखकर शाह बेगम बहुत दुखी हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो अपना इसमें चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 136 नंबर प्रश्न, अपने सिंहासन रोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए, अपने सिंहासन रोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए, तो किसने किए ये 12 आदेश जारी, तो ये किए थे दोस्तों जहांगीर ने, किसने किए थे जहांगीर ने, तो इसका दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर की पत्नियों में से कौन राजपूत नहीं थी, जहांगीर की पत्नियों में से कौन राजपूत नहीं थी, तो वो थी दोस्तों यहाँ पे देखिए मेहरुन्निसा बेगम, मेहरुन्निसा बेगम है ये दोस्तों इसमें राजपूत नहीं थी, बाकी तीनों हैं वो राजपूत थी। ठीक है, इनका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये किया था दोस्तों किसने, तो ये किया था किसने, तो ये फेजी ने किया था, तो इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फेजी ने। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आइन ए अकबरी में उल्लेखित नहीं है, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आइन ए अकबरी में उल्लेखित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें तुलसीदास। तो अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। आगे देखिए, इसमें 140 नंबर प्रश्न है, वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी, वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था, मध्यकालीन भारत में दीवाने अर्ज किसे कहा जाता था, तो दोस्तों दीवाने अर्ज कहा जाता था किसे, तो ये सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवाने अर्ज, याद रखना। ठीक है, सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज। देखिए आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया था 2019 में। ठीक है, आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी, तो दोस्तों चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिए, इसमें कुछ प्रश्न है जो परीक्षा में शुरू की गई थी, आरपीएफ एसआई में पूछा गया था 2019 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये प्रथा शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें
देखिए आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो दोस्तों आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया, राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों 1398 में किया था, आरपीएफ में ये प्रश्न पूछा गया 1398 में। आगे देखिए, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महमूद गबन के। तो अपना इसमें चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा महमूद गबन। नेक्स्ट है, मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी? आरपीएफ में ये प्रश्न पूछा गया है एसआई के अंदर 2019 में। मुगल लघु चित्रकारी के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई, तो किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेरशाह के नाम से। तो इसमें दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह के नाम से। आगे देखिए, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के कारण जाना जाता है? दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के कारण जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए कौन सा, तो वो है इसमें अलाउद्दीन खिलजी। तो चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अहमदिया आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने, मिर्जा गुलाम अहमद ने। देखिए सारे के सारे प्रश्न है वो विभिन्न गया था, तो ये करवाया गया था दोस्तों सांझा के द्वारा। तो इसमें दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सांझा के द्वारा। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने, तो ये अकबर ने की थी। ठीक है, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तो ये रची गई थी दोस्तों किसके शासनकाल में, तो ये अकबर के शासनकाल में रची गई थी। ठीक है, देखिए आरपीएफ एसआई 6 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने, तो ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक है वो कौन था? तो दोस्तों वो था इसमें जलालुद्दीन खिलजी। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? बताइए दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत की ग्रांड रोड किसके द्वारा बनवाई गई? बताइए मध्यकालीन भारत में ग्राउंड रोड यानी कि जो ग्रांड ट्रक रोड है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो इसका राइट लड़ा गया था, तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों मुगल और शेरशाह के मध्य। ठीक है, यानी कि दोस्तों हुमायूं और शेरशाह के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों किसने, मोहम्मद इकबाल ने। तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो बाबर ने दोस्तों किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पादशाहनामा पुस्तक के बारे में, सॉरी पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है किसके बारे में? तो ये लिखी गई है साझा के बारे में। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें देखिए, स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? स्लोप वाली या बैटर दीवारें
किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तुगलक। तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तुगलक। आगे देखिए, किस मुगल शासन ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? बताइए किस मुगल शासन ने दीन ए इलाही की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने। तो अपना इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने। आगे देखिए, इसमें मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों यह आया था किसके शासनकाल में, बताइए? तो यह आया था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई शुरुआत की, बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण की शुरुआत की थी। और फिर बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मर गए थे। फिर उसके बाद में इसका जो पुनर्निर्माण है, यानी कि जो निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण नहीं, इसका जो निर्माण कार्य पूरा है वो करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? बताइए, सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो यह किया था दोस्तों देवगिरी में। एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा देवगिरी। आगे देखिए, हैदराबाद तुगलक वंश की स्थापना किसने की? हैदराबाद तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये की थी, बताइए, सॉरी यहाँ पे देखिए हैदराबाद गलत आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे देखिए, इसमें आखिरी मुगल शासक कौन था? आखिरी मुगल शासक कौन था? तो वो था दोस्तों बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड ये आखिरी मुगल शासक था। तो अपना इसमें दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सभी को पता है तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए? तो वो किया था दोस्तों हिसार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर हिसार का। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? तो ये किया था दोस्तों किसे, तो वो है रजिया, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? बताइए, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? तो ये करवाया दोस्तों किसने, बताइए? तो ये करवाया दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था वो था दोस्तों इसमें मलिक काफूर। तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक साझा द्वारा नहीं बनवाया गया? बताइए कौन सा स्मारक साझा द्वारा नहीं बनवाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है इसमें पंचमहल, ठीक है? पंचमहल है ये साझा के द्वारा नहीं बनवाया गया। बाकी ताजमहल, मयूर सिंहासन और लाल किला ये तीनों दोस्तों साझा के द्वारा बनवाए गए हैं। तो अपना इसमें चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया, तो दोस्तों किसने किया ये, बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महमूद गजनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय
सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? मध्यकालीन भारत में कारखाना शब्द का क्या अर्थ है? कारखाना शब्द का अर्थ, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शाही कार्यशाला। शाही कार्यशाला चार नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई? तो दोस्तों बाबरनामा की जो रचना है वो कौन सी भाषा में की गई? तो ये तुर्की भाषा में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो संत कौन से थे? वो थे शेख सलीम चिश्ती। चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दीन ए इलाही की स्थापना की थी, दीन ए इलाही की स्थापना की थी किसने की थी बताइए? तो मित्रों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीन ए इलाही की स्थापना है वो किसने की थी बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर ने की थी। तो इसमें चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दोस्तों फतेहपुर सीकरी का शाही शहर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था बताइए? अच्छा प्रश्न है, बताइए। फतेहपुर सीकरी का शाही शहर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था, तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनवाया गया था ये। ठीक है, रेलवे जीडी में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना, तो दोस्तों अकबर कितने वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना? तो दोस्तों ये बना था 13 वर्ष की उम्र में, तो अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया गया, तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया था किसने? तो ये किया था अकबर ने, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से नहीं था? तो दोस्तों अकबर के नौ रत्नों में हरिसेन नहीं था। ठीक है, हरिसेन नहीं था, बाकी तीनों थे, तो अपना इसमें तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था दोस्तों बहादुर शाह जफर, एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। आगे देखिए, किसने सुलह ए एकुल यानी कि विश्व शांति का विचार प्रस्तुत किया? किसने सुलह ए कुल यानी कि विश्व शांति का विचार प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर। आगे देखिए, किसको राजकुमार खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है? किसको राजकुमार खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है साझा, चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साझा। आगे देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल के अंतर्गत चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची? किस मुगल शासक के शासनकाल के अंतर्गत चित्रकला अपने शिखर पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जहांगीर। ठीक है, तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। आगे देखिए, दीन ए इलाही किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था किसने? तो ये अकबर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है, तो भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों जामा मस्जिद। ठीक है, बताइए कौन सी है इसमें? राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कुवतुल इस्लाम। आगे देखिए, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबर ने की थी। ठीक है, तो इसमें दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में पहला मुगल शासक कौन था? तो पहला मुगल शासक बाबर था। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 97 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री था, तो अकबर का राजस्व मंत्री था कौन? तो टोडरमल था, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए, उद्यान शैली जो मुगल शासनकाल में लोकप्रिय हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चहारबाग। ठीक है, तो इसमें दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, अकबर के आय प्रणाली का नाम क्या था? अकबर के आय प्रणाली का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों जब्त। ठीक है, तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा जब्त। ठीक है,
आगे देखिए इसमें सुल्तान रजिया के पिता कौन थे, तो दोस्तों सुल्तान रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आज आपको जो प्रश्न करवाए हैं वो मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों पिछली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट टॉपिक वाइज क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार, वहां पर अलग अलग क्लासें हैं वो मिल जाएगी, एक ही फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर।